आपकी तरफ लगा, सभी तैयार हो जाएं, कोई भी जबरदस्ती नहीं करना, किसी को जितना आपको जमा उतना ही करना, पहले सिंपल ही करा करना। एरिया मिली हुई, पंजे खुले हुए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे दो का क्रम, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब एक पंजों के बल, एक दो, एक दो, और पीछे लगो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक समर्पण। पैरों में फासला, देखिए जैसे ही लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, राइट हाथ कंधे से टच हो जाएगा और पीछे वाला पैर नीचे कर दो ना कुंडली को। यस, एक दो, पहले स्लो करा रहा हूँ, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब फास्ट चलेंगे, ठीक है? जो थक जाए, उम्र वाले हैं, वो बीच में रुक सकते हैं, बाकी मेरे साथ चलिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप। अब दोनों पैरों से पहले स्लो फिर फास्ट, एक दोनों हाथ ऊपर, दो एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब फास्ट चलेंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, चटाई चद्दर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मैट योगा मैट पैर स्लिप नहीं होना चाहिए। यस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक स्टॉप। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स, पसीना हो तो चेहरे पे मल दीजिए, हाथों पर मल दीजिए। तैयार, अब पैरों में फासला कम कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, पहले मुझे देखिए, राइट पैर के पीछे लेफ्ट जाएगा, अगर बड़ा कदम बढ़ सकते हो बड़ा भरिए तो छोटा, और हाथों को फैलाएंगे, ठीक है? इस तरह देखो, आप पहले देखो तो नए है वो देख ले, एक ठीक है ना, दूसरे साइड गए दो, तीसरा चलो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक स्टॉप। अब इसमें दो तरह के स्टेप होते हैं, जो एकदम कंफर्टेबल करना चाहते हैं तो छोटे डबल, और जो एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े डबल, तो इसमें डबल हो जाता है। अभी बड़े ढंग के साथ चलेंगे, जो चल सकते हो हाथ पीछे लाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस नौ आठ सात छ पाँच
चार तीन दो एक, ये बड़े डग हो गए, समझे ना, रिलैक्स। एक छोटे डग में बहुत कंफर्टेबल रहता है, उसमें कोई भी कर सकता है, रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। तैयार, हाथों को खोलेंगे, ठीक, एक दो तीन चार पाँच, ताली नहीं बजाना, छः सात आठ नौ दस, दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक, स्टॉप, रिलैक्स, रिलैक्स। तैयार, ऐसे पूरी बॉडी खुल जाती है हमारी। बाद में मैं फीडबैक लेने वाला हूँ, क्या अनुभव होता है, बॉडी में कैसा लगता है, बिफोर आफ्टर आप जरूर चेक करें। हाँ, अब सांस के साथ करेंगे, सांस भरते हुए आप नीचे छोड़ते हुए नीचे आएंगे, भरते हुए ऊपर आएंगे, यानी क्या हो जाएगा, भस्त्रिका हो जाएगी इसी में। यस, रिलैक्स। हुआ पसीना, बोलो हुआ, हुआ। हाँ, अब इसको मलिए। ये पसीना भी व्यर्थ नहीं जाता है, मालिश करने से सुंदरता आती है। बोलिए आप, चेहरे पे मलिए, गले में, गर्दन में, देखिए यहीं पर ज़्यादा पसीना होता है। और दूसरा, अगर ऐसा अच्छा पसीना हो गया तो ऐसे मुद्रा बनाइए, गले पर अच्छी मालिश करिए, तो इंटरनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, महिलाओं में पीरियड अप डाउन, पीरियड के समय दर्द, वाइट डिस्चार्ज, कुछ भी, तो अच्छी राहत मिलती है। और यह करने से कैंसर होने की शक्यता कम रहती है, बहुत अच्छा प्रयोग है, ठीक है। हाँ, अब इसी क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं, अब ताली बजाएंगे ऊपर, ठीक है। एक सांस के साथ करेंगे हम, ठीक है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, राइट हाथ की कोनी लेफ्ट का घुटना, लेफ्ट की कोनी राइट का। यस, तो इसी में आगे बढ़ेंगे, सिर के पीछे सेम रिपीट। आपको गोल गोल घुमाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस नौ आठ
सात छः पाँच चार तीन दो एक स्टॉप।